हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल यूअर्स किचन। तो जैसे कि अभी गर्मियाँ आ गई है, सभी गर्मियों में कुछ रिफ्रेशिंग पीना ही पसंद करते हैं। आज की हमारी वीडियो भी इसी से रिलेटेड है। हम बनाने जा रहे हैं आज ग्रेप्स का जूस, यानी कि अंगूर का जूस। सबसे पहले हमें अंगूर को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के लिए जो हम पानी लेंगे उसमें हमें नमक डालना है। नमक डालने के बाद हमें इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। इसके बाद हमें अंगूरों को इस तरह से अलग कर लेना है। सारे अंगूरों को तोड़कर हमें एक अलग बाउल में लेना है। ब्लैक ग्रेप्स अच्छी तरह से धोकर हमने रख दिए हैं। अब इसके बाद हम ग्रीन ग्रेप्स को अच्छी तरह से वॉश करेंगे। ग्रेप्स साफ़ हो गए हैं। अब हम इसे मिक्सर, ब्लेंडर या जार में ट्रांसफ़र करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे काला नमक। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे शुगर, जो कि मैंने 2 टेबल स्पून ली है, क्योंकि कुछ अंगूर खट्टे भी होते हैं तो इसमें शुगर ऐड कर लेने से मीठा लगता है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ लेमन जूस। अब हम इसमें आइस क्यूब डालेंगे। और इसे ब्लेंड करेंगे। ये हमारा ग्रेप जूस ब्लेंड हो चुका है। अब हमें इसे छानना होगा जिससे कि इसका पल्प अलग हो सके और फ्रेश जूस अलग हो सके। अच्छी तरह से पल्प को अलग करेंगे। ये हमारा फ्रेश जूस लगभग रेडी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हम सबसे पहले ग्लास में आइस क्यूब डालेंगे। उसके बाद हम इसमें अब ऐड करेंगे हमारा जूस। अब मिंट लीव्स के साथ इसे गार्निश करेंगे और ठंडा सर्व करेंगे। मिंट आप ब्लेंड करते समय भी डाल सकते हैं अगर चाहें। हमारा ग्रीन ग्रेप्स का जूस तो रेडी हो चुका है। अब इसके बाद हम ब्लैक ग्रेप्स का जूस रेडी करेंगे। तो इसके लिए भी हमें सेम ही प्रोसेसर करना है। हमारे ब्लेंडर या जार में हम सारे ब्लैक अंगूर्स को ट्रांसफ़र कर रहते हैं। इसके बाद हम सेम ही चीज़ें 2 टेबल स्पून चीनी, इसके बाद हाफ लेमन जूस, यह हम इसमें काला नमक ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें हाफ लेमन जूस डालेंगे। कुछ आइस क्यूब डालेंगे। इसे ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड कर यहाँ पे अब ये ब्लेंड हो चुका है। अब पहले की तरह ही जैसे हमने पल्प को अलग किया था, वैसे ही सेम तरीके से हम पल्प और फ्रेश जूस को अलग करेंगे। इसमें से पल्प पूरी तरह से अलग हो चुका है। अब हम इसे सर्व करेंगे
ग्लास में हम आइस क्यूब डालेंगे। इसके बाद हम हमारा फ्रेश जूस डालेंगे। बस हमारा ब्लैक ग्रेप जूस भी बनके रेडी है। अब इसे हम मिंट लीव्स के साथ सर्व करेंगे। ब्लैक ग्रेप जूस और ग्रीन ग्रेप जूस दोनों ही रेडी है। अब आप इसे एंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर आवर चैनल।